सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं स्मार्टफोन की जिनमें हमें अच्छे अच्छे अपडेट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कई कंपनियां दोस्तों ऐसी भी हैं जिनमें हमें एक भी अपडेट देखने को नहीं मिलता। उन्हीं कंपनियों में दोस्तों एक कंपनी है वीवो। वीवो के फ़ोन दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको एक भी अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आपका फ़ोन कितना ही पुराना हो जाए। छोटे मोटे अपडेट जो होते हैं कलर ओएस के, वो आपको शायद देखने को मिल भी जाएँ, लेकिन जो बड़े अपडेट होते हैं जैसे हमें और कंपनियों में देखने को मिलते हैं, जैसे सैमसंग है, उस तरह के अपडेट हमें वीवो में देखने को नहीं मिलते। कुछ टाइम पहले दोस्तों मेरे फ़ोन में एक अपडेट आया था, मेरे पास वीवो का Z1 Pro है, उसमें एक अपडेट आया था दोस्तों एंड्रॉइड 10 का। तो काफ़ी लोगों दोस्तों जो वीवो Z1 Pro चलाते हैं उन सबको ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा था कि चलो वीवो Z1 Pro में एंड्रॉइड 10 का अपडेट तो आया, क्योंकि काफ़ी टाइम से दोस्तों इस फ़ोन में कोई अपडेट नहीं आ रहा था और वीवो के फ़ोनों तो वैसे अपडेट नहीं आते हैं। तो जैसे ही दोस्तों मेरे पास ये नोटिफिकेशन आई, मैंने चेक किया तो ये अपडेट समथिंग 3 GB से ऊपर का था। तो उस टाइम पर समथिंग दोस्तों दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे, तो मैंने सोचा शाम के टाइम में मैं इसे अपडेट कर लूँगा फ्री होकर। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस अपडेट को चेक किया शाम के टाइम में अपडेट करने के लिए, तो वीवो ने ये अपडेट अपना वापस ले लिया। वैसे तो वीवो के फ़ोनों के अपडेट आते नहीं हैं और इन्होंने काफ़ी टाइम बाद एक अपडेट भेजा भी, तो उसे भी वापस ले लिया। तो ये देखकर काफ़ी लोग निराश भी हुए थे। तो उसी टाइम मैंने वीवो को 11 बजे करीब ट्विटर पर एक मैसेज किया, जिसमें मैंने उनसे ये बोला था दोस्तों कि मुझे आपका एक अपडेट मिला था एंड्रॉइड 10 का सुबह के टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं शाम को अपडेट कर लूँगा। जैसे मैंने शाम को चेक किया है तो आपका अपडेट वापस चला गया है, ऐसा आपने क्यों किया? तो वीवो ने मुझे आज सोच है वही समझ रिप्लाई में बताया दोस्तों कि उन्होंने जो अपडेट Z1 Pro में सेंड किया था, जो अपडेट भेजा था, उसमें उन्हें कुछ बक्स नज़र आ रहे थे, तो उनको फिक्स करने के लिए उन्होंने अपना अपडेट वापस ले लिया है और उस पर काम चल रहा है। जैसे ये अपडेट फिक्स हो जाएगा, इसमें सारे बक्स क्लियर हो जाएंगे, तो जो हमें फिर से अपडेट देना शुरू कर देंगे। दोस्तों वीवो ने वादा किया है कि जैसे ही उसमें जो बक्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे तो अपना ये अपडेट फिर से देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमें ये अपडेट देखने को मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि इतने टाइम बाद तो उन्होंने अपडेट दिया था, फिर वो भी उन्होंने वापस ले लिया। अब कब तक इसके बक्स फिक्स होंगे और कब तक नहीं हो पाएंगे दोस्तों, क्या कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आप उम्मीद छोड़ देना कि आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों आप एक फ़ोन लेने की सोच रहे हो और आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जिसमें आपको टाइम पर अपडेट देखने को मिलते रहें, तो आप वीवो की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वीवो के फ़ोन जो होते हैं मिड रेंज वाले, उसमें आपको बिल्कुल भी अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे। जो हाई लेवल के फ़ोन होते हैं उनकी दोस्तों मैं आपसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतने महंगे फ़ोन वीवो के नहीं चलाए हैं। मिड रेंज जो फ़ोन होते हैं वो मैंने कई फ़ोन चलाए हैं दोस्तों वीवो के, और अभी भी मैं वीवो Z1 Pro यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मुझे वीवो के फ़ोन में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हमें और कंपनियों में देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग है दोस्तों और जो Xiaomi है, ऐसे हमें वीवो के फ़ोन में देखने को नहीं मिलते। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेने सोच रहे हो जिसमें आपको टाइम पर अपडेट देखने को मिलते रहें, तो आप वीवो को भूल जाना, आप किसी और कंपनी की तरफ जा सकते हो। और अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ सेल्फी कैमरा है तो आप वीवो को ले सकते हो, बाकी इसमें और कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिस रेंज पर हमें ये फ़ोन देखने को मिलते हैं और जो भी चीज़ें हमें इस वीवो में देखने को मिलती हैं, वही सारे फीचर हमें कम पैसों में और भी कंपनी देती हैं। तो आप वीवो की तरफ तो बिल्कुल ना जाएं। अगर आप सेल्फी लवर हो तो आप वीवो को ले सकते हो, क्योंकि मुझे वीवो से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जो मुझे परेशानी दिखती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा फ़ोन चाहते हो जिसमें टाइम पर आपको अपडेट देखने को मिलते रहें, तो आप वीवो को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि वीवो में हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता। जब आप वीवो का फ़ोन लोगे तो जिस एंड्रॉइड पर आपको जो फ़ोन मिलेगा आपको उसी एंड्रॉइड पर कई साल तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।